हेलो, वेलकम टू रुजुता नेट जेआरएफ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं और स्वयं प्रभा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और अगर आप सेट के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट इस बेसिस पे मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो अभी सेप्टेम्बर और अक्टूबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं नेट के, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा नेक्स्ट ईयर जैन या फैब में हो सकता है, दिसंबर में तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैन या फैब तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, फैब या फिर मार्च की एंड में हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको प्रिपेयर कीजिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको मिलते हैं वीडियोस, लेक्चर्स ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू इकोनॉमिक्स। तो जितने भी इकोनॉमिक्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PYQs ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो कि हमारे पेपर वन में जो लास्ट के 3 यूनिट हैं 8, 9, 10 यूनिट, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स अगर आप दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स से हैं आप, तो आपको इंडियन इकोनॉमी से करंट अफेयर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस की फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्वयं की। स्वयं से पहले हम एक वीडियो MOOC पे कर चुके हैं, जो कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक। स्वयं क्या है? तो स्वयं एक पूरा वर्ड है जो कि एब्रीविएशन है जिसकी, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, स्टडी वेब? वेब मतलब क्या होता है, हमारा पूरा जाल है ना, वेब मतलब जाल ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब कि आपको जो भी सीखना है, जो भी पढ़ना है, जो भी कोर्स आपने करना है, वो आप कर सकते हैं यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये कब लॉन्च हुआ? 2016 में ये लॉन्च हुआ, और इसको लॉन्च करा है MHRD ने और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इट इज़ एन इंडिजीनियस मेड इन इंडिया IT मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन डेट कैन बी एक्सेस्ड बाई anyone, anytime and anywhere using an IT system। तो ये anywhere, anytime, anyone, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल हुआ है IT सिस्टम के थ्रू, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ है। ये जो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है ना। तो आप स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब पे आप एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर एक न्यूज़ चैनल्स भी आप न्यूज़ भी देखते हैं, वहाँ पे एंटरटेन भी करते हैं अपने आप को, ठीक है। आप एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आप यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको एक टॉपिक कोई पढ़ना है उससे रिलेटेड आपको 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यूट्यूब की तरह ही। यूट्यूब क्या हो गया, यूट्यूब पे कैटेगरीज आ गई, आपको यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। लेकिन ये जो स्वयं है या MOOC है या स्वयं प्रभा है, ये भी एक ऐसी ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वीडियोस, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको कोर्सेज मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आपको फैकल्टी मिलेगी हर कोर्सेज पे, हर डिसिप्लिन पे। लेकिन आपको सिर्फ एजुकेशन कैटेगरी ही यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एजुकेशन कैटेगरी के लिए ही है, ठीक। तो ऐसे MOOC हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो ये हम स्वयं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया होता है। इंडिया ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि प्रोवाइड करता है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। यानी अगर कोई सिटी में रह रहा है तो उसके लिए भी एक्सेसिबल है, कोई विलेजेस में रह रहा है, कोई बैकवर्ड एरिया में रह रहा है जहाँ पे लो बैंडविड्थ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी एक्सेसिबल है, ठीक है।
तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर आपको जेंडर वाइज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, क्वालिटी मिलेगी, इक्विटी मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्री बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है स्वयं, ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो वो प्रिंसिपल्स हम देखते हैं, इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया है MHRD, ठीक है। तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स को, तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे अचीव करने के लिए इसको लॉन्च किया, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस का मतलब मैंने बताया कि अगर आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन से हैं तो आप तब भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज जो भी आप लेना चाहें उसमें आप वो कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। इक्विटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, सबको सेम क्वालिटी ऑफ नॉलेज, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिटी, क्वालिटी बेहतर क्वालिटी, बेटर नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्सेस मीन्स टेकिंग द बेस्ट टीचिंग लर्निंग इवन टू द मोस्ट डिसएडवांटेज। देखो, जो मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको भी इसका बेनिफिट हो, वहाँ तक ये पहुँच सके। इट सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है। अब जैसे हम शहर में हैं, तो शहर में हमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक, हम हर चीज़ आसानी से ले सकते हैं, हर चीज़ पे हमारी पहुंच है ना। लेकिन वही अगर हम विलेजेस में होते हैं या बैकवर्ड एरियाज़ में होते, तो हमें हर चीज़ आसानी से एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ही स्वयं को एक्सेसिबल, यही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है। कि हर जो सोसाइटी का हर सेक्शन का जो बच्चा है, जो भी लर्नर है, वो इससे जुड़े और वो एजुकेशन ले, नॉलेज, उस नॉलेज प्राप्त हो उसको, ठीक है। इट टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9th टिल PG। तो 9th से लेकर आपको PG तक यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल, ठीक। टू बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। द सेशन आर डेवलप्ड बाय द बेस्ट फैकल्टी एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पे आपको मिलती है। देर आर मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी मेम्बर्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 1000 से ज़्यादा फैकल्टी मेम्बर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फीचर्स ऑफ स्वयं, स्वयं के कुछ फीचर्स हैं जो कि है हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनी वे बेसिस। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको, किस बेसिस पे, कि वो किसी भी समय कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास देख सकते हैं कहीं से भी, किसी भी टाइम, है ना। तो इस बेसिस पे क्या मिलता है, हाई क्वालिटी लर्निंग। अब जैसे यूट्यूब पे कितनी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हम कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं उनको। ऐसे ही स्वयं पे अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल हैं, वो कोर्स आप कर रहे हैं, लाइव क्लासेस तो यहाँ पे होती ही होती हैं, लेकिन अगर लाइव क्लासेस आपकी छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं किसी भी समय, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरेक्टिव ई कंटेंट ऑफ फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक का आपको यहाँ पे ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, ये वन स्टॉप वेब लोकेशन है, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम डेट अलाउज ईजी एक्सेस मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन। यहाँ पर आपको ईजी एक्सेस मिलेगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपका असेसमेंट होगा, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। पेयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फॉरम टू क्लेरिफाई डाउट्स। यहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लेरिफाई करते हैं फैकल्टी मेम्बर्स, जो भी आप किस जिस कोर्स में आप एनरोल हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट है, लाइव क्लास चल रहा है और अगर आपको कोई डाउट है, आप वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और वो आंसर उसका आपको
दे देंगे। जैसे यूट्यूब पे होता है, लाइव क्लास चलती है, टीचर्स आपकी क्वेरी भी लेती है, आपको फिर वो उस क्वेरी को समझाती भी है, ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल डेट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। तो ये क्या है, हाइब्रिड मॉडल है जो कि क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करता है। अब ये जो स्वयं है ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके पीछे कौन है, क्या इसका सपोर्ट है, कौन इसको देखता है, इतने सारे कोर्सेज ये जब प्रोवाइड करा रहा है इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी ये देता है, 9th से लेके 12th क्लास तक आपको यहाँ पे मैंने स्कूल एजुकेशन भी आपको मिल रही है, यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सब के पीछे कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप कह सकते हैं, या फिर कोई कौन कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो ये टोटल 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्वयं चलता है। ठीक है, तो AICTE, तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी यहाँ दे रखी है और ये आता भी है पेपर 1 में। ठीक है, तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से ये जो वीडियो बनाई गई है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल भी रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आप और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो AICTE सबसे पहला कोऑर्डिनेटर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेक्निकल एजुकेशन को क्या करता है, टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कोर्सेज मिलेंगे और इंटरनेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पर, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे, जितने भी सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उनको देखता है AICTE, और ये कोर्स ये उसको मैनेज तो करता है, मैनेज करने के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी इसी से ही मिलता है। ठीक है, और अगर आप NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग इंजीनियरिंग यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको यही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज ये देता है, नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज लाइक आपका हो गया MA BA PG कोर्सेज है ना, MA MCOM, ठीक है, तो ये आपको ये वाले कोर्सेज देता है UGC। ठीक, तो 3 हो गए AICTE, याद कर लीजिए इसे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, NPTEL और UGC, ये 3 हो गए 3 कोऑर्डिनेटर्स। अब इसके अलावा हम देखते हैं CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, ये क्या देता है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कोर्सेज ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे बैचलर्स की सारी डिग्रीज। अब इसके ओके, अब आता है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जितना भी हमने बोला कि स्कूल एजुकेशन ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और इसके बाद IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये जितने भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कोर्सेज देता है और सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड कराता है। ओके, IIBM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट बेंगलोर, ये क्या लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट बेंगलोर, ठीक है, तो ये देता है मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये मैनेजमेंट है। NITTR, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक, तो ये जो है 8th वाला, ये जो टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिलते हैं और ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी जो कि प्राइवेट से करना चाहते हैं तो वो यहाँ से NIOS की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है और कोर्सेज भी ये देता है स्कूल एजुकेशन वालों को। ठीक है, तो ये तो हो गए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, इनको करना है याद क्योंकि ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कोर्सेज जो होस्ट होते हैं स्वयं पे वो 4 क्वाड्रेंट्स में होते हैं। पहला क्वाड्रेंट है वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग अ होल कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स आपको ये यहाँ पे कवर कराता है।
ठीक है, करिकुलम बेस्ड है, पूरा का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे कवर कराया जाता है और 20 आवर्स ईच लेक्चर, नॉट एक्सीडिंग, हर लेक्चर 30 मिनट्स से ज़्यादा का नहीं होता, 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और ये नॉर्मली 20 घंटे का होता है, ठीक है। चौथा है ई कंटेंट एडिट टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियोस ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे आपको ई कंटेंट, इसके साथ साथ कोर्स तो आपका कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि आपका सिलेबस है वो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर सेल्फ असेसमेंट भी आपका यहाँ पर होता है, क्विजेज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो आपके जो या असेसमेंट के लिए होता है, इवैल्यूएशन के लिए। डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज, और एक डिस्कशन फोरम होता है, जो भी जिसकी जिस भी लर्नर को कोई भी क्वेरी तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय MHRD एंड AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से यहाँ पर MHRD और AICTE ने इसको बनाया है। वुड बी अल्टीमेटली केपेबल ऑफ होस्टिंग 2000 courses, यहाँ पे आपको मिलते हैं 8000 घंटे ऑफ लर्निंग, ठीक है, 8000 hours ऑफ लर्निंग कवरिंग स्कूल्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो था हमारा स्वयं, अब आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT-15 सेटेलाइट। तो ये जो स्वयं प्रभा है, ये एक ग्रुप है 34 DTH चैनल्स का, ठीक है, ये ग्रुप है 34 DTH चैनल्स का, जो कि टेलीकास्ट करता है हाई क्वालिटी प्रोग्राम को। आपको यहाँ पे 24/7 बेसिस पे यहाँ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, और वो ये पॉसिबल होती हैं GSAT-15 सेटेलाइट के माध्यम से, ठीक है। GSAT का क्या फुल फॉर्म है ये हम आगे देखेंगे, जितने भी यहाँ पे सारी एब्रीवेशन आ रही हैं ना, वो मैंने आगे कर दी लिस्ट अप कर दी है, हम आगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट, हर रोज़ आपको नया कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स विच वुड बी रिपीटेड फाइव मोर टाइम्स इन अ डे। जैसे 4 घंटे का कोई भी एक, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं या फिर आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 4 घंटे की एक वो क्लास ली जाती है, उसमें आपको वो सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, और अगर आपका वो 4 घंटे वाला वो सेशन छूट गया है तो आप उसको, और वही 4 घंटे वाला वो जो क्लास है वो 5 टाइम रिपीट होता है। अगर आपका वो एक 4 घंटे वाला वो सेशन छूट गया है तो आप उसको रिपीट पे देख सकते हैं, ठीक है। अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू चूज़ अ टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको जाकर देख सकते हैं। दीज चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम गांधीनगर बाईसैग, तो ये गांधीनगर बाईसैक इसको अपलिंक करता है इन चैनल्स को, और ये जो कंटेंट हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं बाय NPTEL जो स्वयं में थे, IITs, UGC, CEC, IGNO, NCERT, NIOS और InfliPNet। यहाँ पर क्या है, द InfliPNet सेंटर मेंटेन्स अ वेब पोर्टल, जितना भी पूरा सारा वेब पोर्टल है वो उसको मेंटेन कौन करता है, InfliPNet। InfliPNet क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ये पूरा जो जितना भी सारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रहता है वो यहाँ पर स्टोर रहता है, और ये जो सेंटर है ये मेंटेन करता है स्वयं प्रभा को। अब इसके आगे है, द DTH चैनल शैल कवर द फॉलोइंग, तो DTH चैनल्स क्या क्या कवर करते हैं यहाँ पर स्वयं प्रभा, हायर एजुकेशन आपको यहाँ पर ये कवर करता है, स्कूल एजुकेशन, ये एच है स्कूल एजुकेशन 9 to 12th क्लास तक का यहाँ पर मिलेगा, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो अब्रॉड में भी और इंडिया में भी यहाँ पे आपको ये सब हेल्पफुल है। करिकुलम बेस्ड यानी कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वो भी यहाँ पर आपको कराई जाती है, अगर आप किसी भी मास्टर्स की या फिर आप ग्रेजुएशन की तैयारी करें तो वो भी आपको यहाँ पर कराई जाती है।
नाइन्थ टू टेंथ क्लासेस की भी क्लासेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है। असिस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, फिर नेक्स्ट है असिस स्टूडेंट्स 11th 12th क्लास प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। जैसे 11th 12th के बाद बच्चे ज़्यादातर नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको नीट की भी प्रिपरेशन पूरी की पूरी कराई जाएगी और आपको पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। MHRD is responsible for the overall development of the basic infrastructure of higher education sector, both in terms of policy and planning. यहाँ पे MHRD जो है वो responsible है पूरे के पूरे सारे setup के लिए higher education, और उसकी policy क्या क्या रहेगी, उसकी planning कैसे कैसे होनी है, सब कुछ ये MHRD maintain करता है, ठीक है। Okay, इसके बाद इसके कुछ objectives हैं वो देखते हैं। इक्वल एक्सेस का क्या मतलब है कि जो भी शहर में है, गांव में जो भी रह रहे हैं, उनको सबको ये इक्वली एक्सेसिबल हो, सब सारे कोर्सेज देख पाएँ, सारे जो अगर 9th 10th 12th तक के बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल हो, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का ना हो। स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, मैंने बताया। हायर एजुकेशन भी होती है, लाइव क्लासेस है, ये वी है, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी लाइव क्लास छूट गया है तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियोस में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे 4 घंटे का एक क्लास आपका चल रहा है तो वो 5 टाइम रिपीट होगा। अगर आपका वो 4 घंटे वाला एक स्लॉट रह गया तो आप नेक्स्ट स्लॉट में उसको देख सकते हैं। करिकुलम बेस्ड एजुकेशन, यानी यहाँ पे आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद कुछ फुल फॉर्म्स हम देख लेते हैं इसकी। जैसे बाइजैक, तो इसकी क्या फुल फॉर्म है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको इसको देखना है। इन्फिनिट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जी सेट है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मेरे और भी वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट्स भी करिए। थैंक यू।